तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में वालों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक मिक्सर दिखाने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छा मिक्सर है। मैंने इसको यूज किया है, अभी इसको होम पे ही यूज किया है। तो ये मिक्सर के बारे में आप देख लीजिए कि एक किस टाइप का मिक्सर है। तो ये आपको जो मिक्सर दिख रहा होगा, ये मिक्सर है हमारा SM प्रोफेशनल का ORV 1222। तो आपको यहाँ पर क्लियर जो मिक्सर है वो दिख रहा होगा। तो इस मिक्सर में क्या क्या फंक्शन है, वो ये हम किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, और क्या इसकी खासियत होती है जो हमको यूज़ करना चाहिए, और एक इसका प्राइस वगैरह क्या है, इस सारे फंक्शन के बारे में मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे SM प्रोफेशनल लिखा हुआ है, प्रोफेशनल जो मिक्सर है हमारा। अब यहाँ पर ये ईको है, तो आप ईको को यहाँ पे देख लेंगे, ईको किस टाइप, कितने टाइप का इसमें ईको दिया गया है, आप पूरी कौन 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 से ईको हैं, किस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब इसको दोनों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये इसकी नॉब दी होती, तो इसको घुमाएंगे जैसे आप, तो ये देख लीजिए चेंज हो रहा है। तो चेंज होने के बाद इसको पुश कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको जिस जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो वहाँ पे आप प्रोग्राम पे यहाँ सेट करके वो चला सकते हैं, वो इससे इसको मैनेज कर लेंगे थोड़ा पूरा। इसके बाद में इसका जो फेडर है, यहाँ पे फेडर से जो इफेक्ट 1 इफेक्ट 2 दोनों का फेडर यहाँ पे दिया गया है, जिसको यहाँ से और इन दोनों से इनसे आपने मैनेज कर लिया, यहाँ पे कौन से चलाना है वो इससे आप उसको सेट करेंगे। फिर इसका जो वॉल्यूम दिया होता है ईको का, ये हमारे ईको के वॉल्यूम है, जिसमें आपको दिख रहे होंगे ऑक्स 4 या ऑक्स 5 पे यहाँ पे इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2 दिया है। तो आप इसको खोलेंगे तब आपका ईको मिक्सर में आएगा, यानी आउटपुट आपका जाएगा मिक्सर में। तो इको आ ही रहा है, लेकिन आउटपुट आपका तभी निकलेगा। और इसके बाद में आपने ये देख लिया है, इसके बाद में ये कोयला जाने वाला है। दूसरी चीज़, हमारा जो मीडिया प्लेयर है, इस पर आप गाना बजा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा के, और इसको आप गाना बजा सकते हैं। तो पेन ड्राइव यहाँ पे आपको दिख रही होगी, पेन ड्राइव अभी यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पेन ड्राइव आपकी लग जाएगी, यहाँ से आप गाना को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो दिया है हमारा, ये दिया है मोड। तो इस मोड में आपको क्या करना है, कि क्या कहाँ क्या चलाना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसको दबाएंगे तो देखिए ब्लूटूथ आ गया, तो ब्लूटूथ आप कनेक्ट करके वो आप मोबाइल से सॉन्ग प्ले वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद में इसको दबाया तो ये रिकॉर्ड आ गया। रिकॉर्ड करने के लिए मान लो आपको फिर इसको पुश करना पड़ेगा, तो इसमें आपकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, हमारी पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। और इसको नहीं करना है तो आप यहाँ पर रोक दीजिए, और इसको आपको पॉज कर दीजिए, आपको नहीं चलाना है, तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें आप गाना बजाएंगे तो इसकी आप मोटी पतली आवाज़ सॉन्ग की यहाँ से कर सकते हैं। कई मिक्सरों में ये होता है कि उसमें मोटी पतली आवाज़ नहीं कर सकते, वो इनबिल्ट जो आवाज़ निकलती है जो कंपनी सेट करके देती है, वो इसमें बेस भी आता है, ट्रेबल भी आता है, लेकिन इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार बेस ट्रेबल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें वॉल्यूम दिया है, इसका जो गेन का वॉल्यूम दिया है ये दिया है, आवाज़ तेज़ या धीमी इससे हम कर सकते हैं। तो ये मीडिया प्लेयर में हमारे बहुत अच्छे फंक्शन है। इसके बाद में हमारा हेडफोन का, आप जानते हैं हेडफोन भी दिया है इसमें आपको, तो हेडफोन भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद में हमारा ये इक्वलाइजर है, इक्वलाइजर के अलावा हमारे हमारा जो मैन आउट होता है, जैसे लेफ्ट और राइट, तो ये दोनों के लिए हमारे इसमें दो ये फेडर दिए गए होते हैं लेफ्ट और राइट के लिए। तो इसमें आप देख लीजिए, दूसरा हमारा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो इसके लिए भी हमारे दो फेडर यहाँ पे दिए गए, ये दोनों हमारे ईगो वाले फेडर हैं। तो यहाँ पे आप मिक्सर को देख सकते हैं कि इस मिक्सर में हमारे जो हमको जितने भी फंक्शन की आवश्यकता होती है, वो सारे फंक्शन हमें इसमें मिल जाते हैं, जिससे हमारा कोई भी लाइव प्रोग्राम हो उसको हम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम इसके मेन सेक्शन को, जहाँ पे हम माइक यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले गेन दिया गया है, ये हमारा कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर का यूज़ हम अपने, जैसे कोई तेज़ बोलने वाला है, एकदम से तेज़ बोल जाता है, कुछ भी कर देता है, तो हमारी आवाज़ फटती नहीं है, क्लीन आवाज़ आती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओवर साउंड जो है वो हमको सुनाई नहीं देता है, ना ही साउंड में किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन, फटी हुई आवाज़ नहीं आती है। तो कंप्रेसर हमारे 5 माइक में इसमें यहाँ पर हमको इस मिक्सर में मिल जाता है। इसके बाद भी देख लीजिए हाई लिखा है, तो यहाँ पे आप हाई जो है, हम हाई को यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये हाई मिड है 2.5 के। उसके बाद में हमारा लो मिड है, ये 400 हर्ट्स है, और इसके बाद में लो हमारा 80 हर्ट्स है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्स 1 दिया है, फिर ऑक्स 2 दिया है, फिर ऑक्स 3 दिया है, ऑक्स 4 दिया है, और ऑक्स 5 दिया है। तो यहाँ पर हमारा 3, 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो आपको 3 ऑक्स ये मैंने 5 ऑक्स हैं। इसमें आपको इफेक्ट दिया गया है, तो इफेक्ट और इफेक्ट 2, आप यहां से इन दोनों को इफेक्ट को मैनेज कर पाएंगे कि कितना आपको इफेक्ट रखना है, तो इससे होगा। पेन इसमें वॉल्यूम दिया गया है, प्रत्येक चैनल के लिए म्यूट के स्विच दिए गए हैं, तो कोई भी माइक को हम बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं किसी भी समय।
इसके बाद में आपको देख लीजिए सोलो दिया है, यहाँ पर ग्रुप वन ग्रुप टू दिया है, लेफ्ट राइट के लिए ये दिया है, तो ये आपको चालू रखना पड़ेगा। ये सारे फंक्शन आपको जब चलाएंगे तो आपको इनका यूज़ समझ में आएगा। तो इस टाइप से आप इस मिक्सर को देख सकते हैं। तो ये एक मिक्सर का ओवरव्यू है जिसमें आपको एक मिक्सर के बारे में इसकी जानकारी हो जाएगी कि किस टाइप का मिक्सर आता है, इसमें क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं, इससे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो इस मिक्सर का मेन जो खासियत है उसमें है, इसका है डबल डिले। डबल डिले का यूज़ जो हम कर सकते हैं, तो ये हमारे जैसे जागड़ वगैरह होता है, जागड़ में इसका ज़्यादा यूज होता है, और जागड़ में यदि डबल इफेक्ट का हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही प्रोग्राम में आनंद आता है, गाने वाले को भी आनंद आता है। तो इससे हम बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम कर सकते हैं, वो जो हमारे प्रोग्राम करने वाले होते हैं उनको भी खुश कर सकते हैं। तो इसका डबल डिले का यूज़ हमारा ये इस टाइप से हमारा होता है। तो इस मिक्सर में आपने ये चीज़ देख ली। इसके बारे में मैं आपको पीछे बताने वाला हूँ कि पीछे इसमें क्या दिया होता है। तो देख लीजिए पीछे से वो जो मिक्सर है, इस टाइप से हमारा जो मिक्सर है वो लगता है देखने में, कि किस टाइप से हमारा मिक्सर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो मेन आउट है और ये इन दोनों एक, यानी आप XLR के थ्रू भी आउट ले सकते हैं, और यहाँ पे सादा जैक की तरह से भी आप उसको आउट ले सकते हैं। जैसे यहाँ से सादा जैक है तो इससे भी हम आउट ले सकते हैं। इसके बाद में इंसर्ट आपको दिया है इसके नीचे, तो ये इंसर्ट है। इसके बाद में ये रिकॉर्डिंग के लिए हमको मिल जाता है, इसमें ये रिकॉर्ड आउट लिखा है, और एक्सटर्नल मीडिया कोई भी हम यहाँ से सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, जैसे CD DVD वगैरह आती थी तो उस टाइप की कोई भी चीज़ आप लगा के इसमें बजा सकते हैं, लेकिन ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें ज़्यादा। रिकॉर्ड आउट के लिए हम यदि हम रिकॉर्ड आउट इससे लेते हैं, किस टाइप का जैक आएगा, ये एक इस टाइप का जैक आएगा जो TV वगैरह में लगता है। तो इस जैक का यूज करके हम इनसे दोनों में लगा करके, और किसी भी, जैसे हमारे पास एक आहूजा का है, अभी आप देख लीजिए ये आहूजा का है ADP 30R, तो इसमें हम लगा के और डायरेक्ट इसमें लगा देंगे तो इससे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये जो हमारा होता है, ये हमारा यहाँ पे इसमें भी देख लीजिए दिया होता है, तो यहाँ पे इसमें ये रिकॉर्ड ऑक्स इनपुट, तो यहाँ पे ये ऑक्स इनपुट में लग जाएगा, और यहाँ से हम इसके लिए आउट ले लेंगे। तो यहाँ से आउट लेंगे, वो इसमें लगा देंगे, तो इसकी आवाज़ जो हमारी इसमें रिकॉर्डिंग होने लगेगी। तो आप एक्स्ट्रा यदि रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कि आप इससे रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, आपको कोई भी अलग से लगा के करना है, तो आप यहाँ से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको देख लीजिए पूरे माइक वगैरह इसमें आपको दिख जाएंगे। तो ये माइक वगैरह के लिए जो पूरे पीछे फंक्शन दिए गए हैं, लाइन का दिया गया है, और इंसर्ट भी इसमें आपको 4 इंसर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको देख लीजिए यहाँ पे नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, ये 4 इंसर्ट हैं, तो यहाँ पे 4 इंसर्ट आपको ये करने के लिए ये 4 दिए गए हैं, ये 4 इंसर्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी ये लाइन है और ये हमारे माइक के हैं। इसके बाद में आपका ये देख लीजिए ऑक्स सेंड, ऑक्स सेंड में आपका 1 2 3 4 5, तो 5 आपको ये यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद में ऑक्स रिटर्न, तो ऑक्स रिटर्न आप देख लीजिए यहाँ पे, यानी इस मिक्सर में आप जो भी चाहें वो चीज़ चला सकते हैं, कोई भी आपको इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। आप कुछ भी लगाइए, कैसा भी प्रोग्राम करिए, तो इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत ही अच्छा मिक्सर है, और जो काम ये करेगा तो बहुत ही अच्छा काम करेगा और लाजवाब काम करेगा। अभी मैंने इसको टेस्ट किया है, तो इसमें जो आवाज़ है बहुत अच्छी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हमें इसमें सुनने को नहीं मिली है। बहुत अच्छी इसकी जो क्वालिटी है, उसका जो इको है बहुत ही कमाल का इको है। वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ है इसलिए मैं वीडियो को यहीं रोकता है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी टेस्टिंग वगैरह, इसका इको की टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।